नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4 मई 2018 के करंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 4 मई को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस है न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करेंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करके इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करेंट अफेयर सेशन से लाभान्वित हो सकें। और अब आप जीएस और करेंट अफेयर का अपडेट पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.examguruacademy.com पर भी जा सकते हैं। तो आज का करेंट अफेयर सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 3 मई के करेंट अफेयर के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल का जो करेंट अफेयर का टेस्ट था उसके 5 प्रश्न के उत्तर हैं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर है कानपुर, दूसरे का उत्तर है चाइना, तीसरे का उत्तर है आशा भोसले, चौथे का है वाराणसी और 5वें का है सीतांशु रंजन करको। और अगर आपने इन प्रश्नों को मिस कर दिया है तो आप जो है 3 मई का करेंट अफेयर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए और इन 5 में से कम 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति हैं राकेश गुप्ता और इन्होंने इस पद पर टी जैकब का स्थान लिया है। और देखिए, राकेश गुप्ता जी जो हैं ये आईएएस ऑफिसर हैं जम्मू एंड कश्मीर काडर के। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कि राकेश गुप्ता को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का सचिव अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने गेल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? तो देखिए, ये व्यक्ति हैं असित कुमार जन। तो आपको याद रखना है कि असित कुमार जन ने हाल ही में गेल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। और देखिए, गेल इंडिया जो है ये एक महारत्न कंपनी है। तो देखिए, एग्जाम में कई बार ये भी पूछ चुका है कि गेल किस प्रकार की कंपनी है। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी है और हाल ही में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में असित कुमार जैन ने अपना पदभार ग्रहण किया है। अब थोड़ा सा हम गेल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो गेल इंडिया लिमिटेड है, देखिए इसमें गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कभी कभी एब्रिवेशन का फुल फॉर्म भी देता है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और गेल का जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। और देखिए, महानगर गैस तथा रत्नागिरी गैस एंड पावर जो है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं। तो आपको ये सारी जानकारी याद रखनी है गेल के बारे में भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र खुंटिया को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और देखिए, इन्होंने इस पद पर TS विजयन का स्थान लिया है। तो देखिए, एग्ज़ाम के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ है और इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो देखिए, अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है सुभाष चंद्र खुंटिया का भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में और इन्होंने इस पद पर TS विजयन का स्थान लिया है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1999 को हुई थी और ये जो है इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करता है और देखिए इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, खास तौर से बैंकिंग के एग्ज़ाम में और UPSC तथा PCS के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, 11 मई को प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो देखिए, ये 11 मई को जाएंगे नेपाल की यात्रा पर और ये उनकी नेपाल की 3री यात्रा होगी इनके कार्यकाल के दौरान। तो आपको याद रखना है कि 11 मई को प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और ये उनकी कुल 3री यात्रा होगी नेपाल की उनके कार्यकाल के दौरान। और आज के लिए आपका ऑनलाइन होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का, नेपाल के राष्ट्रपति का
और नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है। तो देखिए ये तीनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल की राष्ट्रपति और नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा किस डॉल्फिन की जनगणना शुरू की गई। तो देखिए ये डॉल्फिन है सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, यानी कि जो इंडस डॉल्फिन है इनकी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा जनगणना स्टार्ट की गई है। और देखिए ये जनगणना इसलिए स्टार्ट की गई है ताकि इनका पता लगा सके कि इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है सिंधु नदी में, क्योंकि ये जो है अब इंडेंजर्ड श्रेणी में आते जा रहे हैं, यानी कि ये जो है खतरे के निशान पे है इनकी जनसंख्या। और देखिए जो इनकी जनगणना है ये पंजाब सरकार के द्वारा WWF के साथ मिलकर आरंभ की गई है और इसका उद्देश्य इस प्रजाति का संरक्षण करना है। और देखिए सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन केवल भारत और पाकिस्तान के मध्य 185 किलोमीटर क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, और ये डॉल्फिन जो है ये तलवाड़ा और हरि के पत्तन के बीच भारत की ब्यास नदी में भी पाई जाती हैं। तो देखिए आपको सिंधु नदी में पाई जाने वाली इस डॉल्फिन के बारे में ये एक्सटर्नल जानकारी याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा WWF के साथ मिलकर सिंधु नदी में पाई जाने वाली इस डॉल्फिन की जनगणना स्टार्ट की गई है ताकि इनकी एक्चुअल संख्या पता की जा सके और इनके प्रजाति का जो है संरक्षण किया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी कि 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। तो देखिए ये योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और देखिए इस योजना के लिए 14,832 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन भी हाल ही में घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना की जा रही है, और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं इनको जो है उन्नत बनाया जा रहा है, यानी कि इनमें जो है जो सुविधाएं हैं उनको और बढ़ाई जा रही हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जो है स्थापित किए जा रहे हैं, और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं इनको उन्नत बनाया जा रहा है। और सबसे पहले देखिए आपको याद रखना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के आगे यानी कि 2019-20 तक इस योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, और इसके लिए इन्होंने 14,832 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन भी कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया जाता है 3 मई को। तो आपको याद रखना है कि हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और देखिए 3 मई 2018 को जो हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया इसकी थीम थी कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। तो आपको याद रखना है कि 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और जो 2018 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमने सेलिब्रेट किया है इसकी थीम है कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। और देखिए जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। और देखिए गौरवतलब है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। तो आपको अनुच्छेद 19 के बारे में भी याद रखना है। देखिए आपका जो अनुच्छेद 19 है इसमें कई सारे उप अनुच्छेद भी हैं, यानी कि अनुच्छेद 19A, 19B, 19C। तो ये जो है आप बुक से पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो है करेंट अफेयर पे हूँ। ठीक है, तो अभी हम केवल करेंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के अनुसार सेना पर खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। तो देखिए ये भारत जो है 5वें स्थान पर पहुंच गया है फ्रांस को पीछे छोड़कर, यानी कि फ्रांस पहले 5वें स्थान पर था, भारत 6वें पे था, लेकिन फ्रांस को अब भारत ने पीछे छोड़ दिया है, भारत जो है अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आप याद रखिएगा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के अनुसार सेना पर खर्च के मामले में भारत जो है ये 5वें स्थान पर पहुँच गया है, और ये इस स्थान पर फ्रांस को पीछे छोड़कर पहुंचा है। तो देखिए जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको लाइन बाय लाइन जो है अपने दिमाग में फीड करते रहिए, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और देखिए जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट है इसके अनुसार अमेरिका जो है ये 40.68 लाख करोड़ रुपये खर्च करके सेना पर खर्च करने के मामले में पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर चीन है, और इसका जो सालाना खर्च है सेना पर यह 15.19 लाख करोड़ रुपये। और देखिए सऊदी अरब जो है ये तीसरे स्थान पर है, इसकी टोटल खर्च है 4.60 लाख करोड़ रुपए, और रूस जो है ये चौथे स्थान पर है,
इसका जो सालाना खर्च है सेना पर यह है 4.40 लाख करोड़ रुपए, और भारत जो है ये 4.26 लाख करोड़ रुपए के साथ 5वें स्थान पर है इस सूची में। तो देखिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पांचों हैं, लेकिन अगर आप एसएससी बैंक रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि भारत जो है ये 5वें स्थान पर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के अनुसार सेना पर खर्च के मामले में, और सेना पर खर्च के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका है। लेकिन अगर आप यूपीएससी और कई सारे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं यानी कि पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है अरेंज करने के लिए देता है। तो देखिए अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिए यूपीएससी और पीसीएस का, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे कि निम्नलिखित देशों को उनके सेना पर खर्च के मामले में अरेंज कीजिए। तो देखिए अगर आपको ये क्रम याद रखेगा कि पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे सऊदी अरब, चौथे पे रूस, पांचवें भारत है, तो आप आराम से उनको अरेंज कर ले जाएंगे और आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका जो है एक नंबर पक्का हो जाएगा एग्जाम में। तो आप जो है क्रम याद रखिएगा कि सेना पर खर्च के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, सऊदी अरब तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर रूस और 5वें स्थान पर भारत है। तो आप ये सभी जानकारी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य डिजिटल हस्ताक्षर की गई भूमि रिकॉर्ड रसीद जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए ये राज्य है महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र जो है ये डिजिटल हस्ताक्षर की गई भूमि रिकॉर्ड रसीद जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव। तो आपको महाराष्ट्र के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में फेसबुक डाटा घोटाले के केंद्र वाली किस विवादास्पद यूके मार्केटिंग एनालिटिक्स फर्म ने अपने सभी परिचालनों को बंद करने और ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन दर्ज करने की घोषणा की है। तो देखिए ये कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, और आपने कई नेताओं के मुँह से जो है इसका नाम सुना होगा संसद में या फिर कई सारे न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम, क्योंकि ये बहुत ही बदनाम हो चुकी है क्योंकि हाल ही में अभी ये एक्सपोज हुई है। ये जो है डाटा लीक करके जो है मदद पहुंचाती थी राजनेताओं को चुनाव के समय में। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में फेसबुक डेटा घोटाले के केंद्र वाली विवादास्पद यूके मार्केटिंग एनालिटिक्स फर्म जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपने सभी परिचालनों को बंद करने और ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन दर्ज करने की घोषणा की है। तो देखिए इस प्रश्न की मैं 1000% जो है गारंटी ले सकता हूँ कि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इतनी बदनाम हो चुकी है और इतने चर्चा में आ चुकी है पूरी दुनिया में कि इसके सभी फैक्ट जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गए हैं। देखिए ये एक आईटी सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है जो कि राजनेताओं को या चुनावी पार्टियों को जो है चुनाव संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। और देखिए इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यह है एससीएल ग्रुप, और इसके फाउंडर्स यानी संस्थापक हैं रॉबर्ट मर्सर और स्टेफेन के बेनॉन, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। तो आप जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में ये सभी डाटा रट जाइए, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये करेंट अफेयर सेशन यही समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का डेली करेंट अफेयर का ऑनलाइन लाइव टेस्ट। तो आप 4 मई 2018 की लाइव टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है राकेश गुप्ता को, दूसरा है मनोज गुप्ता को, तीसरा है प्रवीण गुप्ता को और चौथा है विजय गुप्ता को। देखिए मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब 99% लोग ऐसे हैं जो 5 में से डेली 5ों प्रश्नों के उत्तर सही बता देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है डेली का डेली जो है करेंट अफेयर याद होते चलता है इस चैनल पे, और आप 5 में 5 स्कोर कर रहे हैं यानी कि आपका जो है डेली करेंट अफेयर यहाँ पे 10 से 15 मिनट में केवल तैयार होते चल रहा है। तो आप भी जो है पार्टिसिपेट करते रहिए डेली, और डेली के अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और जो दूसरा प्रश्न है यह किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए फिर आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 1 मई को, दूसरा है 2 मई को, तीसरा है 3 मई को और चौथा विकल्प है 4 मई को। तो आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर साल। तीसरा प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य डिजिटल हस्ताक्षर की गई भूमि रिकॉर्ड रसीद जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है
प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो आपके सामने फिर चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है पंजाब, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो आपको इन ABCD में से सही उत्तर बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य डिजिटल हस्ताक्षर की गई भूमि रिकॉर्ड रसीद, जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है, प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आप बताइए ABCD में से किस व्यक्ति को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो विकल्प ए है सुभाष चंद्र खुटिया को, बी है सुभाष चंद्र बोस को, सी है अरुंधति राय को और डी है इनमें से किसी नहीं को। पांचवा प्रश्न है, गेल इंडिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंपनी है। तो आपके सामने फिर चार विकल्प हैं। विकल्प ए है नवरत्न, बी है महारत्न, सी है मिनी रत्न और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो गेल इंडिया लिमिटेड है यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये किस प्रकार की कंपनी है। तो आप जो है अपना स्कोर भी बता दीजिएगा कि आपने 5 में से कितना स्कोर किया है आज। तो देखिए, जो लोग 5 में से 5 स्कोर कर रहे हैं डेली, यानी कि लगभग 99% लोग ऐसे हैं इस चैनल पे जो डेली जो है जिनको डेली का डेली करंट अफेयर याद हो चला, यानी कि वो डेली 5 में से 5 स्कोर कर रहे हैं, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो आप जो है ऐसे ही प्रयास करते रहिए, डेली का डेली करंट अफेयर याद करते रहिए इस चैनल पे और डेली लाइव टेस्ट जरूर दीजिए और इसका उत्तर जो है नोट करते रहिए अपने नोटबुक में। तो आज का करंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है, कल मैं फिर आपके लिए डेली करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आपका काम है वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करने के बाद इसके लिंक को शेयर कर देना व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो आप जो है खुद जुड़िए इस चैनल से और अपने कई सारे दोस्त जो करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं उनको इस चैनल से जोड़ दीजिए, ताकि वो भी जो है इस करंट अफेयर सेशन से लाभान्वित हो सकें और इस चैनल से जुड़कर कई सारे GS और करंट अफेयर के वीडियोज़ का भी लाभ ले सकें। थैंक यू।